हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैं जा रही हूँ अर्की, और यहाँ से जाना पड़ता है पैदल। तो मैं घर का काम करके सारा अब चली हूँ दौड़ करके। पता नहीं बस मिलेगी या ना मिलेगी। और बच्चों ने भी आज स्कूल जाना था, तो पशुओं का काम भी किया और खाना वगैरह बना करके। तो अब चली हूँ अर्की के लिए। देखिए यहाँ से आया मुझे ध्यान थोड़ा सा कि मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, और सांस फूल जाती है। तो अब मिलती हूँ आपके साथ आगे। यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है बस लेने के लिए। तो जो ये पहाड़ी दिखाई दे रही है, इससे परली साइड से मैं पैदल चलकर आई। और तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ जहाँ से हम बस लेते हैं, जो ये आगे जैसे गांव दिखाई दे रहा है यहाँ से लेते हैं बस। और आज बस 5 मिनट देर थी, ऐसे तो मुझे मतलब बस मेरे से छूटी जानी थी, पर आज 5 मिनट लेट थी बस, तो मुझे बस मिल गई। और अब हम पहुंच चुके हैं घनाकू में। तो यहाँ पर स्कूल के बच्चे उतर रहे थे और आदमी भी चढ़ रहे थे और कॉलेज वाले बच्चे। तो यहाँ पर बस खड़ी हुई थी, तो अब हम चल पड़े हैं अर्की के लिए। ये हमारी पंचायत है ऊपर, तो थोड़ी सी क्लिप मैंने ऐड की। और बस में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई रास्ते में भी। और अब हम पहुंच चुके हैं अर्की में। तो ये है अर्की का पुराना बस स्टैंड, यहाँ पर हुआ करता था पहले बस स्टैंड। और अब है ऊपर राजा के टाइम का महल। और हम चले थे, मैं और जो मेरे साथ वाले दीदी जी है, तो हम चले थे मीटिंग के लिए। और आगे बताऊंगी मैं आपको कि किस चीज़ की मीटिंग थी और क्यों हम चले थे। तो ये यहाँ पर कपड़े खरीद रहे थे और मैं भी यहाँ पर इनके साथ ऐसे ही आई थी, मैंने तो लिया कुछ नहीं। और ये देख रहे थे यहाँ पर दीदी जी। Thank you.
यहाँ पर चौक है और हम पहुँच चुके हैं नए बस स्टैंड में। और जो मैंने आपको पीछे दिखाया वो था पुराना बस स्टैंड और अब यहाँ पर बन चुका है नया। तो यहाँ पर रुकती है बसें वगैरह और हम जा रहे हैं विश्राम गृह में। वहाँ पर हमारी मीटिंग रखी गई थी, तो मीटिंग संस्था के थ्रू है और संस्था एक डॉक्टर अब्दुल कलाम सोसाइटी फॉर अवेयरनेस। तो उसमें एक एक पंचायत की दो एक एक पंचायत से दो दो महिलाएं रखी गई थी और फिर वो मतलब दो तीन साल तक काम बंद ही रहा लॉकडाउन की वजह से। तो यहाँ पर सभी पंचायतों की लड़के इकट्ठी होकर आपस में बातें कर रही थी और सभी आए थे मीटिंग के लिए। तो अभी हमारे जो सर है वो नहीं आए थे, तो हम यहाँ पर धूप भी सेक रहे थे और आपस में बातें भी कर रहे थे। और उसके बाद हमने मीटिंग अटेंड की और उसके बाद आ गई थी हमारे को चाय। तो मैं बड़ी मुश्किल से बैठी थी मीटिंग में भी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बस में। और अब हम यहाँ पर चाय पी रहे थे, तो चाय पीने के बाद थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। तो ये वीडियो कल वाली है और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हम सुबह कल 9 बजे चले गए थे और शाम को पहुँची थी मैं 5 बजे घर में। तो फिर उसके बाद आकर के काम करना पड़ा और यहाँ पर सभी लड़के हैं, तो आपस में बातें भी कर रही थी और चाय भी पी रही थी। और फिर हमारी मीटिंग 2-3 घंटे तक चली और फिर मेरे थोड़ा सा काम करवाने को था, ये हमारे सर है, तो फिर मैंने वो काम करवाया और उसके बाद मैं आ गई थी घर के लिए। तो ये हमारे यहाँ पर विश्राम गृह है और यहाँ पर रखी गई थी मीटिंग। तो अब हम चल पड़े थे घर के लिए और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था वीडियो बनाने का, पर मैंने ऐसे ही थोड़ी थोड़ी क्लिप ऐड की, क्योंकि सिर में भी बहुत ज़्यादा दर्द थी और बस में जैसे आते आते भी सुबह तबीयत ख़राब हो गई थी और फिर जाने का फिर से लगा हुआ था डर कि अब मैं कैसे जाऊंगी घर के लिए। तो ये जो दीदी है ये है मेरे साथ में दूसरे, और अभी पता नहीं क्या होगा इसका, संस्था का चलेगी या ना चलेगी। पर ऐसे मैंने आपके पास अभी ही मतलब बाद में ही लगेगा पता है संस्था मतलब चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। तो अब मैं पहुंच चुकी हूँ तहसील में, यहाँ पर मेरा थोड़ा सा काम था, तो मेरा आधा ही काम हुआ और उसके बाद हो गया था लंच टाइम। तो यहाँ पर ये तहसील के कर्मचारी थे, तो ये यहाँ पर धूप सेक रहे थे और फिर मुझे भी वेट करना पड़ा क्योंकि लंच टाइम हुआ था। तो फिर मैंने उसके बाद अपना काम करवाया और थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ऐड की, क्योंकि तबीयत भी ख़राब थी इसी कारण मैं अच्छे से वीडियो भी नहीं बना पाई। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी बस स्टैंड के लिए। यहाँ पर है हमारी पुलिस चौकी भी यहाँ पर है और कोर्ट भी यहाँ पर है, तहसील भी यहाँ पर है, सभी इकट्ठे इकट्ठे सभी दफ्तर है। तो उसके बाद मैं आई बस स्टैंड के लिए बस लेने और अब मैं बैठ चुकी हूँ बस में, और बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि कॉलेज के बच्चे भी जाते हैं और छोटे बच्चे भी जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा रश था बस में भी और ऐसे ही आना पड़ा खड़े होकर के ही, क्योंकि सीट नहीं मिल रही थी। और मुझे अपनी तबीयत का भी डर था क्योंकि सुबह भी मेरी तबीयत ख़राब हुई थी और फिर शाम को भी सिर में बहुत ज़्यादा दर्द लगी हुई थी और तबीयत भी ख़राब थी, क्योंकि सुबह से लग गई जो दर्द सिर में वो शाम तक रही। तो फिर उसके बाद आगे जैसे से मुझे सीट मिल गई थी और फिर मैंने थोड़ी सी वीडियो कैप्चर की। तो यहाँ पर मैं उतर गई थी बस से बनिया देवी गेट के पास और ये है बनिया
माँ का गेट और यहाँ से जाता है रास्ता मंदिर के लिए, और ये गया ऊपर वाला रोड हमारे घर के लिए। तो अब मैं यहाँ से जाऊँगी पैदल, और यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है हमारे घर, 4-5 किलोमीटर। तो यहाँ पर ऐसे तो आगे से भी रास्ता है, पर मैंने सोचा कि गाड़ी वगैरह मिल जाएगी और फिर अच्छा रहेगा जाने के लिए, क्योंकि अगर तबीयत अच्छी ना हो तो फिर ऐसा लगता है कि घर में कैसे पहुँचेंगे। तो बनिया माता का गेट दिखाई दे रहा था और मंदिर नीचे पेड़ ही पेड़ है, तो मंदिर ऊपर से नहीं दिखाई देते, और ये नीचे गांव है, और ये है यहाँ के आसपास का नज़ारा। और देखिए खेत कैसे हरे भरे हैं। तो जो ये पहाड़ी दिखाई दे रही है, यहाँ से परली साइड को है हमारे घर, और यहाँ तक पैदल ही जाना पड़ेगा। जो ये यहाँ पर सड़क सी दिखाई दे रही है, यहाँ से आई मैं पैदल चल करके, और रास्ते में बहुत ज़्यादा तोड़ मोड़ है, और अभी पहुँची हूँ आधे रास्ते में। और फिर जो आगे ये पहाड़ी दिखाई दे रही है, इससे परली साइड को जाऊँगी अभी, इससे परली साइड को है हमारे घर। तो अभी आधा रास्ता तय किया मैंने। तो देखिए कितनी दूर पहुंच गई मैं पैदल चल करके, जो नीचे वाली सड़क दिखाई दे रही है, यहाँ से पैदल आई मैं और मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने सोचा था कि गाड़ी वगैरह मिल जाएगी, और अभी जाना है मुझे, देखिए कितनी दूर। तो इतनी दूर मैं पैदल चल करके आ गई, और आगे भी इतनी दूर जाना पड़ेगा अभी। तो 1-2 किलोमीटर पैदल चलने को रहा था, और उसके बाद मिल गई मुझे गाड़ी। तो अब मेरे मन को ऐसे शांति जैसी महसूस हो रही थी, क्योंकि चलने का मन भी नहीं था, और तबीयत भी ख़राब थी, सिर में भी बहुत ज़्यादा दर्द लगी थी। ऐसा मन कर रहा था कि मैं अब नहीं चल पाऊँगी, तो उतने को मुझे गाड़ी मिल गई थी, और मैं पहुँच चुकी हूँ अब अपने गाँव में। यहाँ से थोड़ी सी आगे है हमारे घर, तो ये यहाँ के नज़दीक के ही थे भैया और दीदी जी। हाँ, तो यहाँ तक मिल गई मुझे गाड़ी, और ये आ गई है भारती स्कूल से, ये अपने सर की गाड़ी में आई। कैसा रहा आज का दिन? अच्छा, चल। और यहाँ पे ऊपर जैसे पानी निकल रहा है पाइप से, तो पानी ही पानी हो गया है सारी सड़क में। और टोपू कौन लगाओ रही है धूप है। सुबह इकट्ठे गए थे, पर मैं इनसे आगे भाग के चली गई थी, क्योंकि बस चले जानी थी तब, तो ये पीछे से आ रहे थे और मैं चले गई थी आगे दौड़ दौड़ करके। सुबह मैं इनके साथ वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि सुबह जल्दी लगी रहती है और हमें यहाँ से दूर जाना पड़ता है बस लेने के लिए। तो सुबह भी इकट्ठे ही गए थे और शाम को भी इकट्ठे ही आ गए। कल्पना और मीनाक्षी पहले आ गई होगी, क्योंकि उनको जल्दी हो जाती है छुट्टी, और भारती को होती है 4 बजे। तो अब हम पहुंचने ही वाले हैं अपने घर में। तो ये देखिए पहुंच चुके हैं हम घर में, और ये है जो हमारे ताया ससुर जी है, उनकी ये छोटी सी बच्ची है, और ये 2 गाय हैं। कर
हाँ कर लो फिर वो पू। अच्छा के शबू शप्पू शप्पू हाँ जी दो बार तो बिल्ली चाचा रूठ गया ना। हाँ बाल्टी थी फूल वो रूठ गया नालो रिया गया मेरे ने चक्की हुई काफी मांगे चुकाया अपू ही पक्के लाए कि ये नाचा करो। हाँ तो ये मेरे जेठसी है ताया ससुर जी के बड़े बेटे और ये यहाँ पर प्रिंस के पापा ये सब लग रही पशुओं के लिए। हाँ